प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि वे बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके पास सभी जांच एजेंसियां हैं। सीएम झूठ ना बोले इसलिए दो डिप्टी सीएम झूठ बोलने के लिए रखे गए हैं। वह लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ता में भागीदार का संघर्ष पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्विन टावर था वैसे ही दोनों डिप्टी सीएम है, या दोनों ट्विन टावर की तरह बाहर निकलकर आ रहे हैं। 2024 में ट्विन टावर की तरह इनकी सरकार भी चली जाएगी। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, यह सच है कि कोई देश ऐसा नहीं जहां इतना भेदभाव होता है। भाजपा से झूठी पार्टी कोई नहीं है। जब हम अमृत महोत्सव मना रहे थे तो उस दिन राजस्थान से खबर आई कि एक बच्चे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने मटके से पानी पिया था। वही लोगों की मानसिकता बदली जा रही है, धर्म बदला जा रहा है मगर जाति नहीं बदली। जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, आगे जब हमारी सरकार आएगी तब जातिगत जनगणना जरूर करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।